कीचड़ अगर किसी पर उछालोगे तो खुद अपने मुंह पे पड़ेगी। हाँ, हम सियासी पार्टियों की सियासी मुखालफत कर सकते हैं। सियासी मुखालफत का मतलब उनके प्रोग्राम की, उनके काम करने की या न करने की, उनके तर्ज हुकूमत चलाने की। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे साथ एक सियासी फ्रॉड हुआ, ये एक सियासत चीज है। लेकिन मैं किसी की शक्ल पे क्यों कहूंगा, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, अंधा है, कोई लंगड़ा, ये अल्लाह के हाथ में। इसलिए सबकी इज्जत करना, बुजुर्गों की इज्जत करना, सियासी पार्टियों की इज्जत करना, हमारे मजहबी रहनुमा है चाहे किसी भी मजहब के, उनकी इज्जत करना, ये मैं अपने साथियों से बताऊंगा। असद, मेरा मकसद है, क्योंकि नमाज पढ़ने का वक्त है, कि एक ट्यूलिप गार्डन से आज इतना इनकलाब आए, लेकिन उससे मेरे गांव में, कुपवाड़ा में, बारामूला में, अनंतनाग में, कुलगाम में, शोपियां में, बड़गम गुरेज में, बांडीपुरा में, नहीं ये तो बांडीपुरा में, बारामूला में आ गया ना आप सर, इनकी तकदीर लोगों की बदल नहीं सकती। यहां चंद लोग चश्मा शाही जाए, उससे रोजगार नहीं मिलता। मैंने जो नक्शा बनाया था 2008, आज मैं बताना चाहता हूं, और वो नक्शा भी मैंने जाना, उस वक्त 22 जिले का, अब बिल्ले 20 ही जिले रहे। 22 जिलों के लिए पूरा मेरा नक्शा था कि हर जिले में 10-10 12-12 जगहें ऐसी चुनी जाए जहां लाखों लोग जाएं। 10 हर जिले में टूरिस्ट जाए। हमारी इतनी फैक्ट्रियां तो लग नहीं सकती, इलेक्शन का कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, सुबह आएगा, शाम आएगा, गर्मियों में आएगा, सर्दियों में आएगा, कई लोग तो जान बहक हो गए कि इलेक्शन का इंतजार करते थे। इक्तसादी हमारी मुसीबत है, महंगाई आसमान को छू रही। ये सच है कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में, अमेरिका और बर्तानिया में भी, यूरोप में सबसे ज्यादा है। लेकिन हम एक गरीब मुल्क, वहां दूसरे वसाइल, वहां दूसरे जराए, हमारे पास कोई जराया नहीं। खेती बहुत छोटी, जमीन बहुत कम है, वो भी मौसम पर दारमदार है, ओले गिर गए तो फसल खत्म, बारिश ज्यादा गिरी तो खत्म, बारिश नहीं हुई तो खत्म, फ्रूट आ गया उसके फूलों पे अगर ओले पड़ गए तो खत्म, सेब बन गए अगर मार्केट नहीं मिली, गाड़ियां वक्त पर मंडी में नहीं पहुंची तो खत्म, हर चीज यह अपने हाथ में नहीं। आ जाके हमारी इक्तसादी हालत को बेहतर करने के लिए हमारे पास टूरिज्म और नौकरी, नौकरी कहां मिल रही है, कितनी बार इंटरव्यू हुए, ये लड़के और लड़कियां, इनकी आंखें भोजल हो गई पढ़ पढ़ के और इंटरव्यू देख के, लेकिन इधर से उसमें डालते हैं, उधर से कुछ निकलता नहीं।
हमारी सामाजिक प्रॉब्लम है। हमारी गुज़िश्ता 30-32 सालों में रियासत में जिस तरह के हालात रहे, कश्मीर में हो या जम्मू सूबा में हो, शहर में हो या देहातों में हो, उससे कई नौजवान स्टेट महरूम रहे।